अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इस्लामिया सबक नंबर दो। सबक नंबर दो हमारा नाम क्या है सबक का? रिसालत। आज हम रिसालत के बारे में पढ़ेंगे और रिसालत के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें हम वही के बारे में पढ़ेंगे, मोमिन क्या होता है, वही क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस्लामी किताबें कौन सी होती है? हमारी चार इस्लामी किताबें होती है ना, इसका बताया आपको। इल्हामी किताबें कुरान मजीद, ज़बूर, तौरात, इंजील, ये इसके बारे में भी बताया हुआ है कि किस पे नाजिल हुई। जैसे कि ज़बूर है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद पर, और तौरात जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और इंजील जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। जी, तो हमने पढ़ना है रिसालत के बारे में। रिसालत क्या होता है? रिसालत अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता बताने के लिए नबियों और रसूलों का सिलसिला शुरू किया। यानी अल्लाह ताला ने इंसानों को जो है हिदायत देने के लिए और सीधा रास्ता दिखाने के लिए रसूल और नबी बनाए, ताकि वो इंसानों को सीधा रास्ता दिखा सके, उनको सही गलत के बारे में बता सके। हर नबी और रसूल ने अल्लाह ताला के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया। नबी और रसूल जो थे वो अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुंचाते थे, यानी कि नबी और रसूल जो है अल्लाह ताला उन्हें जो कहते थे वो पैगाम हम तक पहुंचाते थे इंसानों तक। हज़रत जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेकर नबियों और रसूलों तक पहुँचाते थे। हज़रत जिब्राइल जो है वो अल्लाह का पैगाम नबियों और रसूलों तक, यानी कि हज़रत जिब्राइल, ये अंडरलाइन भी कर लें, आपसे पूछ सकते हैं, या आपका थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा फरिश्ता अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुंचाता था, तो आप इसको अंडरलाइन कर लें। इसके ऊपर जवाब थ्री लिख के, जवाब तीन, हज़रत जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेकर नबियों और रसूलों तक पहुंचाते थे। यानी कि हज़रत जिब्राइल जो थे वो अल्लाह का पैगाम नबियों और रसूलों तक पहुँचाते थे, और नबी और रसूल जो है वही अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुँचाते थे। ठीक है, उसके बाद ये आगे इसको भी अंडरलाइन कर लें। जवाब वन में वो आपसे पूछ सकते हैं कि अल्लाह के पोशीदा पैगाम को क्या कहते हैं, तो यहाँ से अंडरलाइन करें, वही अल्लाह ताला की तरफ से नबियों और रसूलों की जानिब पोशीदा पैगाम को कहते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने वही बताया ना कि वही किसको कहते हैं, अल्लाह के पोशीदा पैगाम को वही कहते हैं। यानी कि कुछ पैगाम को अल्लाह ताला सबके सामने देते थे खुलेआम, और कुछ पैगाम अल्लाह ताला वही के जरिए देते थे, यानी कि वो सबको नहीं पता होता था, सिर्फ जिस इंसान को बताना होता था, सिर्फ रसूल को या फरिश्ते को, उनको पता होता था कि वही है। ठीक है, और वो फरिश्ता लेकर आता था वो पैगाम स्पेशल उस नबी या रसूल के पास, कि ये अल्लाह ताला की वही है। ठीक है, उसके बाद है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी मोहम्मद तक नबी और रसूल आते रहे। यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कौम चलना शुरू हुई है, वहाँ से लेकर अब तक आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लम। तो जब तक हज़रत मोहम्मद सल्लम थे, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले थे और हज़रत मोहम्मद सल्लम सबसे आखिरी, तो सब में नबी और रसूल आते रहे थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लम के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आया। हज़रत मोहम्मद सल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और रसूल हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम पर एक सिलसिला ख़त्म हो गया, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लम आखिरी नबी है ना, तो उन पर ये सिलसिला ख़त्म हो गया। हर नबी जो है वो गुनाहों से पाक होते हैं, यानी कि उनके सर कोई गुनाह नहीं होते, गुनाहों से पाक होने की वजह से इन्हें मासूम कहा जाता है। ये जिस तरह ये ऊपर था ना कि हज़रत मोहम्मद सल्लम पर ये सिलसिला ख़त्म हो गया, हज़रत मोहम्मद को शेड कर लें, आपसे ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि ये सिलसिला किस पे खत्म हुआ, तो आप आंसर लिख सकते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लम पर। ठीक है, उसके बाद गुनाहों से पाक होने की वजह से इन्हें मासूम कहते हैं, मासूम को भी आप शेड कर लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे एमसीक्यूज में इधर ये देखे ना, फर्स्ट में पूछा गुनाहों से पाक होने की वजह से हर नबी को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पे शेड किया होगा कि मासूम, तो इन्हें मासूम कहते हैं। जो लोग अल्लाह के भेजे हुए नबियों की दावत को कबूल कर लेते हैं वो मोमिन कहते हैं। यानी कि अल्लाह जो पैगाम भेजते हैं, जो लोग अल्लाह के भेजे हुए नबियों की दावत को कबूल कर लेते हैं वो मोमिन कहलाते हैं। देखिए, मोमिन का भी बताया, नबी की दावत कबूल करने वाले को मोमिन कहते हैं। यानी कि जिब्राइल जो है वो रसूल तक पैगाम लेकर आते थे, और फिर रसूल आगे इंसानों तक, तो जो इंसान उनका पैगाम कबूल कर लेता था उसे मोमिन कहते हैं। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लें, नबी की दावत कबूल करने वाले को मोमिन कहते हैं, और जो इस दावत का इनकार करके इसके मुखालिफ बन जाते हैं वो काफिर कहलाते हैं। काफिर को भी शेड कर लें कि जो उनके पैगाम को अल्लाह ताला ने एक पैगाम दिया, अब वो उस पैगाम को नहीं मानते तो इसका मतलब वो काफिर है, अगर मानते हैं तो मोमिन, अगर नहीं मानते तो काफिर। जैसा कि फिरौन ने हज़रत मूसा का इनकार किया था, ये जैसा कि इसको भी अंडरलाइन कर लें, जवाब फोर का आंसर है कि हज़रत मूसा का इनकार किसने किया था, तो आप कह सकते हैं कि जैसा कि फिरौन ने हज़रत मूसा का इनकार किया था, इसको अंडरलाइन कर लें। और उसके बाद है, और नमरूद ने हज़रत इब्राहिम का इनकार किया था, हज़रत इब्राहिम को भी
अंडरलाइन कर लें, ठीक है। आज हमने ये पढ़ा रिसालत के बारे में और इसमें जो जो कुछ था वही के बारे में, मोमिन के बारे में, और ये भी पढ़ा कि पैगाम बंदों तक लेकर आते हैं रसूल, और जो मानता है उसको मोमिन और जो नहीं मानता उसको काफिर कहते हैं। और इसी की हमने अब अच्छे से रीडिंग करनी है आप लोग ने बुक से, और ये जो वर्ड्स अंडरलाइन करवाए और शेयर करवाए इनको शेयर करेंगे, और बाकी इसका सॉल्व वर्क जो है वो आपको सब पीडीएफ में मिल जाएगा।